want justice. We want justice. पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है. Introduced a resolution that called for the protection of Hindus and religious minorities in Bangladesh. कि ये लोग वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके. हमें सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से डिगा न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, यह हम अवश्य प्रयास करें. क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए. वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितेशी कैसे हो सकते हैं? याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है. और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा. वह हिंदू है, यह हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वह हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है, उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है. हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है. और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे. ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है. राक्षसी वृत्तियां जब भी धराधाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा. जो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में है, हाल ही में घटा उसको लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं, और सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में बात भी कही कि वहाँ पर जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए. माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके, जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए. लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी, तो हिंदुओं की वहाँ पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की. ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा Member of Congress, I introduced a resolution that called for the protection of Hindus and religious minorities in Bangladesh, people who continue to be targeted and persecuted to this day. Now, the height of this persecution actually began 50 years ago when the Pakistani army systematically murdered, raped, and drove from their homes millions of Bengali Hindus because of their religion and ethnicity. On March 25th, 1971,
was the beginning of a systematic targeting of Hindus in Bangladesh by the Pakistani military. It began in Hindu neighborhoods and villages, first at Jagannath Hall, which was a Hindu dormitory in Dhaka University, where 5,000 to 10,000 people were killed on that first night alone. This genocidal campaign continued for 10 months, resulting in 2 to 3 million people killed, hundreds of thousands of women and girls raped, and more than 10 million forced to flee their homes. U.S. Senator Ted Kennedy went to visit the Bangladeshi refugees at that time and said, quote, "Nothing is more clear or more easily documented than the systematic campaign of terror and its genocidal consequences launched by the Pakistan Army on the night of March 25th. Hardest hit have been members of the Hindu community who have been robbed of their lands and shops, systematically slaughtered, and in some places, painted with yellow patches marked H." End of quote. Now, the Islamist, not to be confused with Islam, the Islamist persecution of Hindus and other religious minorities in Bangladesh didn't end with Bangladesh's independence. That campaign continues to this day with horrific targeted attacks, murders, homes being burned down, and families who continue to be forced to flee.